गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की सेकंड यूनिट फिनॉल एल्कोहल ईथर एंड इपॉक्साइड और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था मेजर फिनॉल। फिनॉल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है जो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल के अंदर हम एग्जांपल की बात करें। एग्जांपल कर रहा था, हमने पहले हैलोजनीकरण देखा, उसके बाद में सल्फोनीकरण देखा, उसके बाद में नाइट्रीकरण देखा, ठीक है। तो इन सब की हम बात कर सकते, ठीक है। आज हम बात करेंगे नाइट्रोसोनीकरण क्या होता है इसके बारे में और कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है इसके बारे में। नाइट्रोसोनीकरण और कार्बोक्सिलीकरण इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्या होता है नाइट्रोसोनीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। देखो टॉपिक चल रहा है हमारा, टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। और इसके अंदर हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले हमने नंबर एक हैलोजनीकरण इसकी बात की थी, उसके बाद में हमने सल्फोनीकरण, उसके बाद में नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण की बात, ठीक है। आज हम बात करेंगे नाइट्रीकरण के अंदर, नाइट्रीकरण के बाद में नाइट्रोसोनीकरण, नंबर चार की बात करेंगे नाइट्रोसोनीकरण। नाइट्रोसोनीकरण देखो, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 के साथ अर्थात कंसंट्रेट HNO3 के साथ में करवाते तो हमारे को पैरा नाइट्रोसो फिनॉल प्राप्त। फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ में करवाते हैं तो हमारे को पैरा नाइट्रोसो फिनॉल प्राप्त होता है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाते हैं पैरा नाइट्रोसो फिनॉल, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल प्राप्त होता है या नाइट्रोसो फिनॉल का निर्माण होता है। देख फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया जब हम करवाते हैं इसकी अभिक्रिया NaNO2 और H2SO4 और NaNO2 प्लस H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, कंसंट्रेट HNO3। इसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे NO
पैरानाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त। पैरानाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त। ठीक, तो ये हमने देखा है नाइट्रोसोनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में हम बात करेंगे अब कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम करते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर 5 की बात करते हैं, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया नंबर 5। कार्बोक्सिलीकरण कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया इसके बारे में हम देखेंगे। देख जब फिनोल की अभिक्रिया या बेंजीन का कार्बोक्सिलीकरण होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। यहां हम लिख सकते हैं बेंजीन का कार्बोक्सिलीकरण दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 की बात करेंगे, नंबर 1 कोल्बे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण, नंबर 1 कोल्बे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण और नंबर 2 होता है राइमर-टीमान अभिक्रिया। कोल्बे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण और दूसरा होता है राइमर-टीमान अभिक्रिया की बात करेंगे। देखो जो कार्बोक्सिलीकरण होता है, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, कोल्बे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण और राइमर-टीमान अभिक्रिया। इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने बात की है, देखो नंबर 4 की बात की है नाइट्रोसोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है के बारे में जाना और कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है अर्थात कितने प्रकार से बेंजीन का कार्बोक्सिलीकरण होता है, दो प्रकार से होता है कोल्बे-स्मिट कार्बोक्सिलीकरण और राइमर-टीमान अभिक्रिया। इनको हम एक एक को लेकर चलेंगे अगले क्लास के अंदर। धन्यवाद।